शो में गाना नहीं गा पाने के कारण जादूगर इस मगरमच्छ को भगा देता है। कुछ समय बीत जाने के बाद ये मगरमच्छ अब बड़ा हो जाता है। एक दिन ये मगरमच्छ एक लड़के के घर की छत में घूम रहा होता है और तभी इस लड़के को छत से कुछ आवाजें आती है तो वो देखने चला जाता है। दो पैर से चलने वाले मगरमच्छ को देख के लड़का डर के कारण गिर जाता है। बिल्ली अपने आप को जैकी चैन समझकर मगरमच्छ से लड़ने चली जाती है, लेकिन बिल्ली गलती से मगरमच्छ के मुंह में चली जाती है। अपनी बिल्ली को मगरमच्छ के मुंह में जाते देख लड़का मगरमच्छ के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मगरमच्छ उस बिल्ली को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। फिर ये लड़का समझ जाता है कि ये मगरमच्छ उसकी बिल्ली की तरह उसे भी नहीं खाएगा, बल्कि वो बहुत ही अच्छा मगरमच्छ है, इसलिए उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लड़का इसके साथ बहुत खेलता है, लेकिन एक दिन लड़के की मम्मी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और डर के कारण अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है।